रिजल्ट था बस यहाँ। बेटा रिजल्ट लेकर के अपने पिताजी के पास पहुँचा और पिताजी ने पूछा क्या हुआ। पापा जी रिजल्ट नहीं, आज तो एग्जाम थी। खैर ठीक है, कैसा पेपर गया? बेटे ने बता दिया पेपर देख लो पिताजी, 10 मार्क का प्रश्न पत्र था, 9 प्रश्न का जवाब बिल्कुल मैंने सटीक लिख दिया है, पहले नंबर का प्रश्न अवॉर्ड कर दिया है। बाप ने प्रश्न पत्र देखा, नजीक बुलाया, बेटे को चाटा मार दिया। पापा क्यों मारते हो, क्या हो गया? ये 9 प्रश्न का तूने जो जवाब लिखा, एक एक प्रश्न का एक एक मार्क है और पहले प्रश्न का 41 मार्क्स है। तू बोला पहला छोड़ दिया, 9 मार्क तुझे आया, 41 मार्क्स तेरे चले गए। आज मैं वो बात करना चाहता हूँ, हमारा प्रश्न पहला प्रश्न क्या हो सकता है? पत्नी, परिवार, प्रतिष्ठा, पुण्य, प्रसिद्धि, प्रशंसा, पदार्थ, ये सब एक एक मार्क का प्रश्न है। हमारे जीवन का सबसे जो बड़ा प्रश्न है वो है हमारे जीवन की शांति, और उनको लेकर के जीवन मेरा नंदनवन जैसा कर कैसे बन जाए, उनकी 5 सीढ़ी की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल भी मैंने बता दिया था, आज भी मैं बताना चाहता हूँ। जो बात करता हूँ न सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए भी यही रास्ता है। नंबर 1, आप अपने आप को चेक करते चलना। पहले नंबर की विकल्प है गुड अटैचमेंट। आप एक बार अपने जीवन को ऑब्जर्व करते चलो, आपका अटैचमेंट, आपकी मित्रता, आपकी आत्मीयता, आपकी किसके साथ संपर्क, किसके साथ नहीं, आपका संबंध किसके साथ। रास्ते में चलते चलते कितने लोग आपके मिलते होंगे, मगर रिलेशन तो सभी के साथ हम नहीं बनाते। आपको मालूम होगा अर्जुन कमजोर था फिर भी जीत गया क्योंकि कृष्ण फेवर में थे, कर्ण ताकत वाला था फिर भी मर गया क्योंकि वो दुर्योधन के साथ बैठा था। महाभारत जिसको भी पता था उनको मालूम है, यदि कर्ण, यदि इफ एंड बट, यदि कर्ण दुर्योधन के साथ नहीं होता तो कर्ण की जो हाइट थी ना अर्जुन से ओवरटेक कर जैसी। आई वुड लाइक टू आस्क यू, कमजोर अर्जुन जीत गया और बहादुर कर्ण हार गया, एक कारण ये था अपनी कमजोरी उसने श्री कृष्ण के चरण में रख दी, ताकत वाले थे कृष्ण और कर्ण हार गया क्योंकि दुर्योधन के साथ जुड़ गया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका अटैचमेंट कृष्ण के साथ या दुर्योधन के साथ? एकदम आसान नहीं है। दूध जामन के साथ दोस्ती करता, दही में कन्वर्ट हो जाता है, जामन एटले मेड़बन। यही दूध यदि नींबू के साथ बैठ गया दूध फट जाएगा। वही दूध है मगर किसको इन्वॉल्व करता है उसके से परिणाम बहुत बहुत तैयार हो जाते हैं। एक जामन के साथ दूध बैठ जाता तो दही बन के क्या कमाल करता है, उनकी क्वालिटी बदल जाती है। दूध मीठा नहीं होता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है एक चावन के साथ दोस्ती करता है तो, और एसिड के साथ नींबू के साथ करता है दूध फट जाता है। एक पत्थर शिल्पी की आत्मा आता है प्रतिमा बन जाता है, डाकू की आत्मा आता है वो किसी को मारने में काम नहीं जाता है। पत्थर तो न्यूट्रल है मगर किसके हाथ में? मेरी और आपकी ताकत, कोई ताकत नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, न मेरी ताकत न आपकी ताकत, मगर हम किससे जुड़ जाते हैं, विद व्हम वी आर अटैच। आप दामा के साथ बोल सकते गुरुदेव हमारा अटैचमेंट ऐसी किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है जो हमारे जीवन को कलंकित कर दे। आपको मालूम नहीं हरिभद्र सुमन एक शब्द है, बज्जिज्जा अधम मित्र जोगम, अकल्याण मित्र का त्याग करो। मैं 5 बात करना चाहूंगा 2 मिनट में। आपका अटैचमेंट ऐसे लोगों के साथ हो तो कट ऑफ कर देना। नंबर 1, प्याली मित्र, प्याली मित्र। आप कहीं भी उनको मिलो आपको ड्रिंक्स की ऑफर कर देगा, वाइन की ऑफर, यह है प्याली मित्र। नंबर 2, थाली मित्र। होटल में जाना है तो वो हमेशा के लिए तैयार होगा, उनको कोई और रिश्ता आपके साथ नहीं है। नंबर 1, प्याली मित्र। नंबर 2, थाली मित्र। नंबर 3, ताली मित्र। मजाक मस्ती करते रहेगा, ताली देते रहेगा, आपकी कोई दिक्कत होगी अपने आप से दूर हो जाएगा।
नंबर एक खाली मित्र, बस ऐसे मिल गया और मित्र बन गया। क्रीड में चार मित्र जीवन को तबाह कर देंगे, प्याली मित्र, थाली मित्र, खाली मित्र और ताली मित्र। एक मित्र यदि आपके जीवन में आ गया, उनका नाम है माली मित्र, माली। शायद आपने किसी माली को देखा होगा। वन वन आपको मालूम है ना, वन उपवन में कन्वर्ट कब होता है, एक वन और एक उपवन। आज सब्जे के नंदन वन, आप कैसे कैसे वन और उपवन में फर्क क्या है। और एक माली होता है ना, वो कैंची लेकर के निकल जाता है, कैंची, और जहाँ भी उनको लगता है सही बराबर नहीं है, काट काट डालता है। आई वुड लाइक टू आस्क, आपके जीवन में कोई माली मित्र है क्या? आपको काट के पीड़ा इतनी भयंकर होगी मगर आपको गौरव दे देगा। प्याली मित्र, थाली मित्र, खाली मित्र, ताली मित्र और पांचवा नंबर का मित्र है माली मित्र। चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपके गुरु भगवान हो, चाहे आपका मित्र हो, माली बन के आपके जीवन में आ जाए और यू आर रेडी। आप बोलो जहां से भी मुझे काटने का मन हो काटते रहना, मगर मेरे जीवन को गौरवप्रद बना देना। आपको मैं पूछना चाहता हूं, एक माली मित्र है आपके जीवन में जिसको आपने परमिशन दे दी हो कि काटना है तो मुझे पूछना मत यार, मेरा जीवन कैसे टॉप बनेगा वो तू जानता होगा, तुझे लगता कि सेब ऐसा ही देना चाहिए उसी टाइम काट देना। 1964 में गुरुदेव भवन भानु सीमा की शिविर में गया, माली मिल गए। क्या क्या ताकत, बिल्कुल कोई कमजोर थे, बिल्कुल क्या ताकत, औकात ही नहीं थी। यहां तक गुरुदेव ने पहुंचा दिया, मैं थोड़ा पहुंचाऊं, माली मिल गया एक। आपके जीवन में कोई माली मित्र है जो आपको काट सके? आप जवाब दे सकते हो, सबको सब माली नहीं बनते, मेरी पीढ़ी सब माली भी नहीं बनते। उद्यान में आने वाले बगीचा में सब माली नहीं होते, कई लोग तो देखने के लिए आते, मगर माली तो वो होता है जिनको आप पर दया नहीं होती। काटूंगा तो क्या होगा, पीड़ा होगी, होगी तो होगी, मगर सेव देना उनको। आप मुझे जवाब दे सको, गुड अटैचमेंट पहली कंडीशन है। गौतम महावीर से अटैच हुए, फिर गौतम गणधर बने। तब तक तो गौतम के मन में था कि महावीर को मैं दिखा देता हूँ, मालूम है ना, गौतम की पूरी कथा मालूम है ना। वो महावीर को वंदन करने के लिए नहीं गए थे, महावीर को हराने के लिए गए थे। कौन है मुझे छोड़कर के सर्वज्ञ? और एक बार गौतम महावीर के पास आए और अटैच हो गए, फिर जो चमत्कार हुआ मेरी आंखों के सामने है। आपके जीवन में माली कौन है? तो चौबीस घंटे में किसी भी टाइम आपको काटने की जिसको तुमने इजाजत दे रखी है। मेरी पीड़ा को मत देखना, मेरे चेहरे की मुस्कान को मत देखना, मेरे आंखों के आंसू के मत देखना। यदि तुझे लगता है ये कंपल्सरी है, उसी टाइम काट देना। है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे चलूं। गुड अटैचमेंट माने सिर्फ बातचीत की बात नहीं, आपके जीवन को हाइट पे ले जाए वो ताकत। तो क्यों नहीं, क्यों रखा है मैं इतना पूरा, वाई नॉट? माली तो वो होता है ना जो उपवन के पीछे पागल होता है, वो देख के खुश हो जाता है, कमाल यार। आने वाला उपवन को देख करके वो नहीं पूछता है कि फूल क्या है, वो होता है ना माली कौन है यार। और हमीर वन आपके बीच में जो बहुत कुछ फर्क है सुनील भाई, मगर एक फर्क मालूम है, क्रीड में तमारू नाम तो मैं कैंप लगाओ तो पहला पिताजी नाम हो गया तमारू, आ गया जनरल पहलू नाम क्या हुआ तो मैं जे लगाओ क्रीड भाई नहीं स्कूल में हूँ लगे तू स्कूल में शू लगा तू અને અમારા જેટલા પુસ્તક વાંચી લો, ભુવન ભાનુ સુમનના શિષ્ય, દેવ સુમનના શિષ્ય, રત્ન, અમારે પિતાજીથી શરૂ થાય, તમારે તમારેથી શરૂ થાય આજ છે ને
અમે ક્રેડિટ લેતા નથી, અમે કહીએ માળી અમારા હતા માટે અમે અહીંયા છીએ, ક્રેડિટ ઘૂસતું તેમ એમ. એટલા માટે સાધુને ક્યારે પણ પૂછો, માસ ખમણ કરે, પ્રવચન કરે, કાંઈ પણ કરે, સાહેબ આ તાકાત ક્યાંથી, એ શું કહે, દેવગુરુ બસાય. માળી સિવાય ક્રેડિટ લેવાનો અધિકાર સાધકને છે જ નહીં. આજ અમારા જીવન અહીંયા સુધી પહોંચ્યા ઓનલી ડી ટુ માળી. મારે તમને પૂછ્યું છે, માળી કેમ નથી જીવનમાં? બધાને તમે જીવનમાં તમે પ્રવેશ આપ્યો, માળીને પ્રવેશ કેમ ના આપ્યો? વાય નોટ? વાય નોટ? મેં વો સમજમાં આવ્યા મગર વાય નોટ? યદિ આપકો બતાએ કે વો ડાકુ નહીં માલી હૈ, મેં નંબર એક બાત કહા, આપકો પતા હોના ચાહીએ માલી હૈ વો. એક સર્જન ડોક્ટર કા પતા ચલતા તો આદમી ઉસકો સાઇન કર દેતા હૈ ને, સાઇન કરતા હૈ ઓપરેશન, ઓપરેશન થિયેટર મેં ઓર કાટને કે લિયે પૈસા દે દેતા હૈ વો સામને સે, બરાબર હૈ ને? જો મેં કહે બાયપાસ કા ઓપરેશન 10 લાખ 20 લાખ ડોક્ટર ખુદ ભી લે લો મગર કર દો અચ્છા ઓપરેશન, કાટને કા તુમ પૈસા દેતે હો, સબકો તો નહીં દેતે હો, મગર જિનકા નામ હૈ જો બ્રાન્ડેડ આઇટમ હૈ વ્યક્તિ હૈ, આપ બોલેગે ઓપરેશન કરાતા ઉનકે હાથ સે કરાના, કાટને કા તુમ પૈસા દેતે હો, ક્યોંકિ માલૂમ હૈ મેરે શરીર કો અચ્છા કર દેગા, તો આપકો જિંદગી મેં કોઈ માલી જૈસા કોઈ નહીં મિલા કે જિસકો દેખ કરકે આપકો લગે મેરે જીવન કો હાઇટ પે લે જાયેગા. તમને કોઈ માળી કોઈ તમને દેખાયો જ નહીં આખી જિંદગીમાં? ધોળા આવી ગયા ત્યાં સુધી હોજો નહીં. તમે કોક ના માળી બનો એ ઉંમર આવી ગઈ તમે. કેમ આટલા વર્ષો સુધી આપણને આવો માળી શોધ્યો કેમ નહીં? વાય નોટ? અરે છોટા સા એક્ઝામ્પલ, આ 5 સીડી કી બાત આજ આપકો કરના ચાહતા હું. મેરે જીવન કો નંદનમન બનાના હૈ, આપકે જીવન કી બાત, મેરા જીવન કૈસે બના? મેં મેટ્રિક મેં બડી મુશ્કિલ સે પાસ હો ગયા, કોલેજ મેને કભી દેખી નહીં, ઇતના કમજોર, આજ ક્યું યે તાકાત વાલા બન ગયા? ये बात आपसे मैं करना चाहता हूँ. ये आपके सामने बैठा हुआ एक लड़का जिनको कोई देखने के लिए तैयारी था, वो आज क्या हो गया? दो आदमी के बीच में भी मैं बोल नहीं पाता था, दिल्ली में 10 लाख की सभा में बोल के आया, 10 लाख. ये क्यों, ये ताकत मेरे से नहीं आई, ये उपवन देखने के लिए लोग आए, माली और माली दिखाई नहीं पड़ता है, मालूम है ना? જો બગીચા દેખને કે રહા થા ઉનકો માલૂમ હી નહીં કે માલી કા હૈ, માલી તો કોને મેં બેઠા હૈ. આજ મેરા ઉપવન આપકો દિખ રહા હૈ, એ પીછે માલી કોન થા, વો માલી કી બાત આપસે કરના ચાહતા હું, જિસને યહાં સે શુરુ કર દા અટેચમેન્ટ. ઓર મેં યે કહેના ચાહતા હું, ગુરુદેવ ને મેરી જો કસોટી કરી દી, હર કસોટી કી, ચાટા ભી મારા હૈ મેને, ખાયા હૈ માર, આંખ મેં સે આંસુ ભી નિકલે, માલી તો કર સકતા હૈ ને, ઓર કોન કરેગા? મગર એક વિશ્વાસ થા, એ માલી હૈ. મેં રિપીટ કરના ચાહતા હું, એક માલી પે વિશ્વાસ રખ દો, આપકો કણ ભી સોના ચાહીએ 100% ગુરુદેવ માલી હૈ, ફિર આગે કી બાત અભી મેં નહીં કરૂંગા, ચાહે વો પીડા દે તો પીડા દે, પીડા માલી કી ઓર સે આને વાલી હૈ. પથ્થર કો પીડા દેને વાળા શિલ્પી હોતા તો પથ્થર વિરોધ નહીં કરતા, માટી કો રેંગને, મિટ્ટી કો રેંગને વાળા જે કુંભાર હોતા ને, મિટ્ટી વિરોધ નહીં કરતી, માલૂમ હૈ ये मिट्टी हूं कोई सेब दे देगा, ये पत्थर हूं प्रतिमा बना देगा. और डॉक्टर को देख करके कोई दलील नहीं करता है, काटने वाला बोलेगा छुरी लेके बैठा है डॉक्टर, ये डाकू नहीं है यार. तो मैं इतना ही कहूँ, यदि गुरु का दर्शन हो, माली का दर्शन हो, शिल्पी का दर्शन हो, कुंभार का दर्शन हो, फिर विरोध क्यों? आप पीड़ा से डरते हो, पीड़ा तो कहाँ नहीं है, पीड़ा कहाँ नहीं है, हर जगह पीड़ा है, મગર એ પીડા પુરસ્કાર કા કારણ બન જાતી હૈ, પીડા પુરસ્કાર દેતી હૈ. જબ હમ ગુલાબ તોડને ગયે, લોગોને કહા જરા સંભલ કર કાંટે ચુભ જાયેંગે, અમૃતા પ્રીતમ કી કડી કડી હૈ અદ્ભુત. જબ હમ ગુલાબ તોડને ગયે તો લોગોને કહા જરા સંભલ કર કાંટે ચુભ જાયેંગે, હર પૌધે પર ગુલાબ હી નહીં હૈ, એક ગુલાબ કે સામને 50 કાંટે.
तो अमृता प्रीतम ने लिखा कि जब गुलाब के लिए मैं हम पागल बन के निकले तो लोगों ने डर दिखाया, कांटे चुभ जाएंगे, खून निकल जाएगा। तो हमने पूछी लो बेसी ने फुटा, हाँ तो मैं यहाँ यहीं बेसी रो पते क्रीड में गंभीर धनी पूछी लो, अब बताना नाम नहीं थी कि मैंने बताना थी कि तो नाम थी पण एक पूछू। 54 वर्ष थे मैंने दीक्षा लीधा ने, ये वर्षों में दीक्षा लेता पहला मैं तुम्हारी सलाह ली थी कि तुम्हें आ पढ़ो तो लो नहीं तो न लो, साचू बोलो तो मैं लगभग शू की दू चालो ने साचू बोलो ये तमें तमारी जातने छुपाओ छो पण हकीकत में 54 वर्ष पहला पण तमारी कोई सलाह लीधी होत हूँ दीक्षा लो के नहीं तमें लगभग ना ज पड़ी होत, आनो तमने रस ज नथी। કેમ નહીં? આજે અમે જે ગાંડા છીએ ને તમારી માળી યાદ આવે ને એમ થાય કે ગુરુદેવ કમાલ કરી આપે, ચારિત્ર ના આપ્યું તો અમારે તો ખલા ક્યાં ક્યાં ફેંકાઈ ગયા ખબર નહીં, એક માળી બોલ્યો પીડા તો ઘણી મળી છે। જબ હમ ગુલાબ તોડને ગયે લોકોને કહા જરા સંભલકર કાંટે ચૂપ જાયંગે, અને અમૃતા પ્રીતમે લખ્યું છે જ્યારે ગુલાબની સામે કાંટાનો ડર દેખાડ્યો ત્યારે લાખો લોકો તો યાત્રા પેન્ડિંગ કરી દીધી, અમને તો સમજ્યું ગુલાબની સુવાસ મળશે કાંટાની વેદના મળતી હોય તો અહીંયા અમારે જવું નથી। 99% લોકોને પોતે કે યાત્રા પેન્ડિંગ કરી દી અપના કામ નહીં કે તમે જરાક ધર્મી બનમાં જાઓ લોકો તમને ડર દેખાડશે, મને દેખાડે તો ચારિત્ર જીવન બહુ તકલીફ બહુ કષ્ટો આમ તેમ નામાનું નહીં બ્રહ્મચર્ય પાડવાનું ગુરુની આજ્ઞામાં રહેવાનું ઠંડા ગોચરી પાણી આવા બધા ડર દેખાડ્યા હતા। જબ હમ ગુલાબ તોડને ગયે તો લોકોને કહા જરા સંભલ કર કાંટે ચુપ જાયંગે, મગર અમૃતા પ્રીતમને વો લિખા કે ઉન લોકો કે ઓપિનિયન કો એવોર્ડ કર દિયા ઓર હમ તો યાત્રા પે નિકલ પડે ઓર યે અનુભવ અમૃતા પ્રીતમ કા નહીં હે મેરા હે। જબ હમ ગુલાબ તોડને ગયે તો લોકોને કહા જરા સંભલ કર કાંટે ચુપ જાયંગે, મગર જબ ગુલાબ તક પહોંચી ગયે હર કાંટે ફૂલ બન ગયે। યે અનુભવ ચારિત્ર જીવન આને કે બાદ જીસને કાંટે કા ડર દિખાયા થા કોઈ કાંટા હૈ નહીં, હર કાંટે હમરે લીએ તો ફૂલ બન ગયે, યાત્રા તો કરની પડેગી। નંબર વન આપકી બાત મેં કરના ચાહુંગા હમ સબ મુનિયો કી બાત, કિસી ભી મુનિ કા ગ્રોથ હોગા આપકે જન્મ યદિ આપકા ભી ઇન્ટીરિયર ગ્રોથ હોગા। आप अबजपति बनना चाहते हो जरूर नहीं है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप संसार की दुनिया में आप टॉप पे जाना चाहते हो उसमें शायद किसी की जरूरत नहीं है। दाऊद इब्राहिम आपका मित्र हो तो भी तुम अबजपति बन सकते हो, नॉट रिक्वायरमेंट के गुड अटैचमेंट आपके संसार में चले, ये बात आपकी मैं करना वो नहीं करना चाहता हूँ। आप बोलो माना सब एक नंबर के चोट डाकू बदमाश हमारे मित्र है फिर भी हम अबजपति बन गए बन जाएंगे, मगर जिसको इंटीरियर जगत में प्रवेश करना है और कुछ पाना है उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। नंबर वन गुड अटैचमेंट, सेकंड गुड एटमॉस्फेयर। अब एक बार आपको ऑब्जर्वेशन करके पूछो कि आपके पास ये एटमॉस्फेयर की मानसिकता है, एटमॉस्फेयर गुड आपके घर का आपके समाज का, और तो आप जहाँ भी जाते हो यदि आपको लगता है कि उसका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है आप जाना पेंडिंग कर दे तो अपना काम नहीं है। मान लिया आपके मित्र के साथ होटल में जाते हो मगर लगता है एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, ये जो मित्र ने सब पीने वाले है आप रिजेक्ट कर सकते हो, दोस्त मेरा काम तेरे साथ नहीं है, 100% नहीं है, सो नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज इन एटमॉस्फेयर, गुड एटमॉस्फेयर। हमारे पास एटमॉस्फेयर क्या टॉप है, मुनिजन में गलत एटमॉस्फेयर का प्रश्न ही कहाँ आता है, कोई स्वाध्याय कोई तप कोई त्याग कोई भक्ति कोई व्यावत, गुड अटैचमेंट सेकंड गुड एटमॉस्फेयर। व्हाट अबाउट योर लाइफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तुमने सुना होगा, वो जमाने में वल्लभ भाई पटेल का इंटरव्यू लिया था पत्रकार ने
और वल्लभ भाई को पूछा था, वल्लभ भाई ये ताकत आपके पास आई कहां? ये कोई बात करता ही नहीं। और वल्लभ भाई ने वो पत्रकार को कहा था, ये सब ताकत का राज मुझे घर में मिला हुआ एटमॉस्फेयर था। हैरान था पत्रकार, कौन सा एटमॉस्फेयर आपको घर में मिला था? शायद ही आपको बस ऑर्थोडॉक्स लगे, मे बी पॉसिबल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हुआ मैं बताना चाहता हूँ आपके साथ। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, मेरे बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, मैं घर में रहा, मेरे बड़े भाई की शादी 14 साल हो चुके थे। पत्रकार की आंख विस्मय से विस्फारित हो गई कि मुझे जो ताकत मिली वो ताकत मेरे परिवार से मिली, एटमोसफियर से मिली। 14 साल के शादी के जीवन में मेरे बड़े भाई और भाभी को दिन के उजाले में बात करते देखा नहीं है, ये एटमॉस्फेयर मुझे घर में मिला था, पवित्र था का। एक एटमॉस्फेयर वल्लभ भाई पटेल को विदा कर सकता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आज अपनी मम्मी पापा की उपस्थिति में मोबाइल से बात करती है, यू कांट डू एनीथिंग, कांट, कुछ नहीं कर पाते हो। एक बात तुमने कही दू, तुम्हारा घरमादी धर्म नहीं गयो, संस्कार ने शरम गया छे अत्यारे। साहेब रोज दीकरो अष्टपक्र पूजा करे, विरोध नहीं, धन्यवाद, संस्कार ने शरम नु सुन। 14 साल तक मैंने बड़े भाई को देखा नहीं कि मेरी भाभी के साथ उसने बात की दिन के उजाले में। ये ताकत मुझे मिली, पवित्रता का वातावरण है आपके घर में, पवित्रता का वातावरण। कितना तुमने कॉम्प्रोमाइज गलत चीजों के साथ कर दिया, और आपको लगता है हमारे सब ये टोटली हेल्पलेस, आप हेल्पलेस हो, कुछ नहीं कर पाते हो। ये तो भगवान की परम कृपा की, जो लोग थुन आते हैं उनके कान पे बात जाती है, बाकी तो मजाक होती है ना, मजाक आज के जमाने में, ये मजाक मजाक का कारण है? कौन से जमाने की बात करते हो महाराज साहब? गांधी जी ने कहा था कि मेरी माँ ने मुझे बता दिया, मैं जा रहा था दक्षिण अफ्रीका तो पुतली बा उनकी माँ का नाम, और माँ ने सबसे पहले बता दिया कि इजाजत तो दे सकती हूँ मगर एक कंडीशन, 3 चीज को तुझे अवॉइड करना पड़ेगा, दारू, मांस और परस्त्रीगमन। शायद तुमने गांधी की कथा सुनी हो तो, और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सबसे पहले स्टीमर से नीचे उतरा यही ऑफर सबसे पहले हुई, वो जमाने की बात। मगर उसी टाइम माँ का चेहरा आंखों के सामने आ गया और माँ को मैंने वादा दिया था, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज दिस, और बच गया, बाल बाल बच गया। देश का, समाज का, स्कूल का एटमॉस्फेयर अब नहीं बदल पाते हो, आप इतना कह सकते हो कि मेरे घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। सौटंका कई सकोनी स्थिति खरी तुम्हारी, वाई नॉट, दिस इज इन योर कंट्रोल। साहब मारा घरनू वातावरण केवू राखू, बजार सरकार नहीं पहुंची सकते, मारा घरनू वातावरण साहब मारा हाथ में। एनी रीजन अत्यारे बताना स्वास्थ्य बगड़ा कारण शू? कोरोना नू एटमोसफियर, बराबर ने? नहीं बराबर है ना? आज ये लोग डिस्टर्ब नहीं गया कारण आखू वातावरण में कोरोना, तो हमने लगे क्या जाऊँ, कोनी अगर जाऊँ, जेने अगर जाऊँ, आज आज बात आ एक रोग गयो में वो कोई साता पूछो ही ना, आवे तो तमे डरो पाचा। एक बेन कोकना घरे पहुंची गया, એટલે જેના ઘરે પહોંચે એમને પૂછ્યું કે તમે તો આમ દેખાતા નહીં માસી, આજે ક્યાંથી આવી ગયા? તો કે એવું છે ને,
કોરોના થયો છે, હોસ્પિટલમાં જતા પહેલાં થયું, બધાને મળી જાઓ, રવાના કરી દીધા. એક કોરોનાના માહોલે આખી દેશની દુનિયાની વ્યવસ્થા બદલી નાખી. એટમોસ્ફિયર શું કામ કરે છે? શા માટે સંસાર છોડીને ચારિત્રના માર્ગે આવ્યા? એનું કારણ આ હતું, અમારે ગુડ એટમોસ્ફિયર જોઈતું હતું. પહેલા નંબરમાં તો પાસ થઈ ગયા, સેકન્ડ નંબરનું શું? ગુડ એટેચમેન્ટ તો બરાબર, વોટ અબાઉટ એટમોસ્ફિયર? વેરી ગુડ એટમોસ્ફિયર ડ્યુ ટુ અસ. आपके जीवन को यदि कोई लाइन नहीं मिलती है तो आप चेक कर लेना, उसमें से कुछ गड़बड़ है आपके पास. या तो गुड अटैचमेंट नहीं है, या तो गुड एटमॉस्फेयर नहीं है आपके पास. यदि नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं, आपके जीवन में इनको कोई स्थान ही नहीं दिया, टॉप प्रायोरिटी नहीं दी, आपने कभी सुना नहीं, सोचा नहीं, क्या क्यों, कारण क्या है? वॉट इज द रीजन अबाउट दैट? आप अटैचमेंट और एटमोसफियर के साथ तुम इतने सिंसियर क्यों नहीं हो? कोई जो ते आ बाबत में सिंसियर केम नहीं? કઈ તમને ખબર ન પડી કે આ ચીજ કેટલી બધી ડેમેજ કરી નાખશે જીવનને? કોઈ ના નથી, પણ તમને ક્યારેય ખ્યાલ આવ્યો કે આખા મારા જીવનને ક્યાંનું ક્યાં ક્યાંનું ક્યાં નાખી દેશે? એવું હું નથી માનતો, એટલા માટે કે તમે આખા પરિવારને કદાચ ન બચાવી શકો, સમજુ, બટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તમે તમારી જાતને તો એકદમ સેફ રાખી શકો. આમાં તમે થોડી થોડી નારાજગી કોકની સાથે વેઠવી પડે, કદાચ કોકને ખોટું પણ લાગે, પણ તમે આ બાબતમાં સ્ટ્રોંગ રહો તો ધીમે 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 તમને એના એના પરિણામ જોવા મળે, અને એક વખત તમારી ગુડવિલ પણ જામે. આપ કિસી કી શાદી મેં જાને કે પહેલે બોલશે તો શાદી કી વ્યવસ્થા કે ફિર મેં પ્રવેશ કરૂંગા. પુના કા એક લડકા થા, કિસી કી શાદી મેં ગયા થા, ઓર ઇતના લંબા, જૈસે યહાં સે મંદિર હૈ ના, ઇતના લંબા એક લોન થી લોન, ફિર ઉનકા સ્ટેજ આતા થા. ફાસ્ટ ફ્રેન્ડ થા, યદિ ઉસને બોલ દિયા તેરી મેરી શાદી મેં યદિ તું નહીં આયા તો અપના રિલેશન જિંદગી ભર ખતમ. વો ઇતના પવિત્ર લડકા થા, અમારે જૈસે હી શાદી કે વો ગયા ઓર દેખા इतनी लंबी ग्रीनरी है, और उसने वहाँ से मोबाइल से फ़ोन कर दिया, स्टेज पे तुझे दिख रहा हूँ बट मैं घर वापस चला जाता हूँ. उसने बोला क्यों? उसने बोला मैं हरी सब्जी पाती थी, खाता भी नहीं, और हरी सब्जी पे कभी पैर भी नहीं रखता. आने का मन था, आने के लिए तैयार था, इसलिए तो आया हूँ, मगर तेरा है निकल गया. और निकलने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका रिलेशन मजबूत बन गया. दोस्त अच्छा हुआ तूने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मेरी मजबूरी थी, मगर तू एवड़ करके निकलेगा, आई एम हैप्पी. आप ये मानते हो कि संबंध टूट जाएगा, संबंध मजबूत बन जाएगा. कई जगह में कितने एग्जाम्पल मेरे सामने है कि जिसने जो छोड़ना था छोड़ दिया, मगर एटमोसफियर अटैचमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. हम नहीं करते. ये मैं फिर से बताना चाहता हूँ, यदि आपको जीवन का कोई स्वाद पाना है तो ये दुनिया जो पागल है उसी रास्ते पे आपको भागना है तो इसमें एक भी स्टेप नॉट कंपलसरी, नॉट वॉलेंटरी. आप जैसे जीवन जीना चाहते हो जी सकते हो. कोई ईट ड्रिंक कैंड बी मेरी, खाओ पियो मजा करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, यही आपकी मानसिकता, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. मगर आपको लगे गुरुदेव क्या इस जीवन में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये ताकत यदि आपको पाना है तो इनके लिए कंपलसरी है गुड अटैचमेंट एंड गुड एटमॉस्फेयर, सेकंड नंबर का स्टेप.
थर्ड नंबर का स्टेप गुड एंगल, किसी भी फोटोग्राफर को अवार्ड मिलता है ना, वो फोटो निकालता है इसलिए अवार्ड नहीं मिलता है, एंगल से निकालता है इसलिए मिलता है, समझे ना। एंगल माने तो गुजराती में कहूँ त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण तो घना ने आवड़ू, दृष्टिकोण आवड़ू, भूमिति में भण्या ने त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, पर कोई टीचर है तुमने दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मीन एंगल। चाहे दुनिया ऊपर से नीचे जाए, यदि आपके पास गुड एंगल है, राइट अप्रोच, राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएटिव एटीट्यूड, दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। एंगल आपके पास होना चाहिए, आपके पास वो एंगल गुड एंगल। ये तीसरे मुनि जी मने कदम कदम पे जो जो परिस्थिति बनती है ना, उसमें एंगल नहीं होता तो हम मुनि जन में फेल हो जाते। कभी गुचरी में मिठाई मिलती है, कभी बिना घी की रोटी भी मिलती है, होता है ना। कभी बंगले जैसा उपास मिलता है, कभी हम दिल्ली गए, करीब में दिल्ली गए, बिहार में तो जयपुर से दिल्ली गए, तब कितने दिन, कभी कभी तो पेड़ के नीचे सोना हुआ, उपास भी नहीं, शटर भी नहीं, गोडाउन भी नहीं, कुछ नहीं, गए तो पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे मैं, एक पेड़ के नीचे वो, ऐसे पेड़ के नीचे सोते चले गए। फिर भी दिल्ली वाले जब मिलने के लिए आए, कभी उनको बताया नहीं कि तुमने हमारी व्यवस्था क्या की थी, चलो मुनि जी बने मजे से रहेंगे। और एक बार तो पेड़ के नीचे मैं सोया था, रात को 10:30 बजे एक आदमी उठाने गया, हे महाराज साहब कहाँ सोए हो? मैं, भाई शांति से सोने दे, अरे ऊपर सांप रहता है, ऊपर इनमें। तमे मानो जा मुनि जीवन में बधू मजा में चाले, बिल्कुल नहीं। डगले पगले डगले पगले, प्रतिकूलता प्रतिकार, प्रतिकूलता प्रतिकूल, अपमान अवगणना घणू चाले, बट वी आर हैप्पी ड्यू टू गुड एंगल। कोई फरियाद नहीं हमारी आगे, बाहरी बड़ी चीज है, पर गुड एंगल तुम्हारी गणती तो फरियाद सिवाय कहीं, तुम्हारी गण दुख सिवाय। और फरी बार कही दू, धर्मना क्षेत्र की बात नहीं, तमारा क्षेत्र की तुमने बात करू, सौथी वधारे सुखी मानस कोण जेनी आगे ओछा में ओछी फरियाद छे ते। आप अपने जीवन को लेकर के बता सकते हो, गुरुदेव नो कंप्लेन एट ऑल। कंप्लेन अने कंपेरिजन मधी बाहर निकलो, यू आर नाउ हैप्पी। नो कंप्लेन, नो कंपेरिजन। बहनों ने पूछो फाटी गेला दूध मधी पण पनीर बनावी दे, कंप्लेन न करे, काई नहीं फाटी गयो तो पनीर। ये एंगल है, फटे हुए दूध को लेके गाली देने का प्रश्न नहीं है। वी कैन क्रिएट समथिंग गुड। तमने जो इन्हें घनी बार मन था रोज तमने साता पूछवी है तो मैंने पूछो। एवं शू तकलीफ है तुमने साथी? श्रद्धा भी हमारी कहाँ है? बरसों पहले दीक्षा के 5वें 7वें साल पे एक घर पे गुजरी गया था मैं, नॉन जैन था, किसान था, बज्जर की रोटी लेके आया, सौराष्ट्र नहीं बात, बाजरा रोटला बखना गया। और मैंने बोला कि बज्जर की रोटी तू लाए, एक काम करना, घी नहीं डालना, बिना घी की रोटी चाहिए। वो सुनते रहा, महाराज साहब बिना घी की रोटी मैं नहीं दे पाता हूँ। क्यों? महाराज साहब मेरे पेट में, जब बिना घी की रोटी खाता हूँ मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, समझे? क्रीड भाई
तो मैंने लगा कि उसने गलत सुन लिया लगता है, उसको लगा मैंने उनको बोला कि बिना घी की रोटी खाना, मैंने बोला तेरे लिए जो भी खाना है खाना, मगर मुझे जो तू रोटी देता है ना वो बिना घी की रोटी चाहिए। हमारे साहब आपने सुना नहीं, बिना घी की रोटी जब भी खाता हो पेट में दर्द होता है। मैं बोला फिर क्लेरिफिकेशन करो या, तीन बार क्लेरिफिकेशन करने के बाद वो अड़के रहा, आपको रोटी दूंगा तो घी के साथ ही दूंगा। मैं बोला क्यों, मगर हमारे साहब मैंने बोला नहीं आपको कि मुझे पीड़ा होती है बिना घी की। अभी मुझे थोड़ा अभी एक ही प्रश्न का एक ही जवाब देता दिमाग गर्म हो जाता है, एक तो गोचरी जाना था और यहाँ से हिलने नहीं दे, देना चाहता था फिर भी बोला। मैंने बोला तू कुछ समझता है कि नहीं, उसने बोला आप कुछ समझते हो कि नहीं। तारे लगी हो काम कर बड़े से काम आ रहा मैंने कहा तो है ना। फिर मैंने उनको पूछा दोस्त तू जो बोला वो मैं तो इतना समझता हूँ कि तू ऐसा समझता है कि बिना घी की रोटी में दूंगा नहीं, और बोलता खुद की बात कि बिना घी की रोटी खाता हूँ पेट में दर्द होता है, मैंने तो अभी बता दे तू क्या कहना चाहता है। आप सब इनके सामने भिखारी हो, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक किसान के बेटे ने किसान ने जो जवाब दिया उनके सामने शायद आप सब पुअर हो, ऐसा जवाब उसने दे दिया मैं हिल गया। मेरी जिंदगी में ऐसा जवाब किसी ने आज तक नहीं दिया। माना साहब मैं आपको वो कहना चाहता हूँ, आपको मैंने वो कहा ना कि बिना घी की रोटी आपको दूँ तो जब भी मैं बिना घी की रोटी खाता हूँ मुझे पेट में दर्द होता है। इनका अर्थ ये माना साहब आप जैसे कई संतों के पास मैंने ये सुना है, हम जो देते वही अगले जन्म में मिलेगा। माना साहब आज बिना घी की रोटी दे दूँ और अगले जन्म में बिना घी की रोटी मिले मुझे पीड़ा होती है, इसलिए आपको बोलता हूँ घी के साथ रोटी दूंगा। सच बोलो ये श्रद्धा है आपको, मैं जो दूंगा वही अगले जन्म में मेरे पास आएगा, ये आपको मालूम है क्या? मैं किसी का अपमान करता हूँ अपमान मिलेगा, गाली देता हूँ गाली मिलेगा, किसी का चीटिंग करता हूँ मेरे से चीटिंग होगी, जो देता हूँ वही मेरे पास आएगा। ये श्रद्धा एक किसान के पास दी है तुम्हारे पास, इनकी श्रद्धा को मैं सलाम कर बैठा दोस्त, कमाल हो गया यार। अगले जन्म में महाराज साहब मुझे पीड़ा नहीं चाहिए, इसलिए आपको बिना घी की रोटी में नहीं पाता हूं। और सच बताऊं कंप्लेन करने का तो मौका हमें इतना मिलता है, आपको क्या कंप्लेन, किसकी कंप्लेन, क्या नहीं, एयर कंडीशन है, हीटर है, गीजर है, गाड़ी है, बंगले है, मोटर है, जो मांगो जिस टाइम मांगो सब कुछ है, फिर कंप्लेन किसकी है? होना तो हमें चाहिए, कितनी हजार तरीके की दिक्कत आती है तो कदम कदम पे हम कंप्लेन कर सकते हैं। व्हाट अबाउट गुड एंगल, जीवन को नंदनमन बनाना चाहते हो, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। खाली जानू मुझे આમાં એંગલ કેમ નથી તમે પકડ્યા, જે એંગલ તમને ડિસ્ટર્બ કરી નાખ્યો એવા એંગલ તમે શું કામ પકડ્યા છે? મારે જાણવું છે જે એંગલથી તમે દુઃખી થાઓ, ડિપ્રેશનમાં, ફ્રસ્ટ્રેશન, ઇરિટેશન, આવા બધા જાત જાતના શિકાર તમે બનો છો, આવા એંગલ શું કામ પકડીને બેઠા છો જ્યારે તમને ખબર છે કે આ એંગલ મને દુઃખી કરી રહ્યો છે? मैं 10वीं क्लास में फेल था और जिस दिन रिजल्ट आया ना मेरे बड़े भाई थे पिताजी के स्थान पे, कोई डर भी नहीं था, फेल हुआ तो रिजल्ट कैसे दिखाऊंगा डर भी नहीं था, और बड़े भाई को रिजल्ट दिखा दिया। हमने मैंने पूछी तू फेल थे, मैंने हाँ ठीक है आते साल मेहनत कर जा रहा हूँ निकली गई। साचू बोलो तुम्हारे घर में अत्यार हूँ वातावरण करूँ, જાણે ચાઇના અમેરિકા સામે હારી ગયું એવું લાગે, તમારો દીકરો ફેલ થઈને આવ્યો એટલો ઇઝી તમને આમ દેખાડી શકે રિઝલ્ટ? શું કહ્યું? છોકરાને આવે જ નહીં ના, હમણાં એક છોકરો એવો હતો એનું આવું રિઝલ્ટ ખરાબ આવ્યું, બી રિઝલ્ટ લઈને ગયો, પપ્પાએ કીધું રિઝલ્ટ દેખાડ, પપ્પા કોરોના છે સેફ ડિસ્ટન્સ રાખો કે
वो जमाने की बात साहब आपको नहीं बैठे, मेरे पिताजी के जमाने की, मैं अभी की बात कर, मैं एमपी जाके आया। आप हैरान हो जाएंगे गुरुजी, पॉसिबल है? एमपी के बॉर्डर पे मेरा प्रवेश था जिस दिन, उसी दिन एमपी के पेपर में सागर नाम का गांव है एमपी में, सागर। एक लड़का बोर्ड की एग्जाम में चार सब्जेक्ट में फेल हुआ था विथ आर्टिकल, गुड आर्टिकल इन पेपर। और जब बेटे ने बाप को रिजल्ट दिखा दिया, बाप ने बेटे को पूछा कि क्या करना क्या है, पापा अगले साल मेहनत करूंगा और पास होके निकल जाऊंगा। दो दिन के बाद किरण भाई पिताजी ने, ये है ना इसी वाड़ी जिनको ऐसा स्थान बोलते हैं, पिताजी ने वो वाड़ी का बुकिंग करा दिया, 1000 लोगों को आमंत्रण दिया, भोजन समारोह, इनविटेशन कार्ड। कारण वो लिखा था कि जब पहुंचूंगा वाड़ी पे तब कारण बताऊंगा कि किसके लिए आपको मैंने आमंत्रण भोजन का दिया है। सरप्राइज थे लोग। और किरण भाई जब भी वो वाड़ी के लिए घर से निकले ना, बगी शादी होती है ना, तब ऐसी बगी में बेटे को बिठा दिया, पप्पा बैठे सबके सामने, बेटे के गले में माला डाली पप्पा ने, बाप और बेटे ने वो बैठ गए, 40 आदमी का बैंड और बैंड के साथ बगी निकली, वाड़ी पहुंची, पत्रकार हैरान, शादी में जो अरे भोजन में आए थे सब हैरान, क्या सीक्रेट प्रकट करता है वो जानना चाहता हूँ। फिर सबके बीच में बाप ने माइक आठ में उठाया और इन्हें जाहिर करू कि आज आ 1000 मणसों जमणवार तमने कारण जनाव तो मैंने खूब आनंद थे जे कि चार विषय में मारो दीकरो नापास थो और नापास थे। पी मैंने पूछू कि हमें शू करव है, तेरे इन्हें एम कीधु हाँ आती साल मेहनत कर पास थी जाइ, चार विषय में नापास थवा छता एने सुसाइड नो विचार नहीं आव, एना हिसाबे आ जमणवार आयोजन। आजना जमाना नहीं बात करूँ, आपका बेटा चार सब्जियों में फेल होता है, ये एटीट्यूड तुम ले सकते हो क्या? घनी बार मने लगे तुमने तकलीफ सूझे हम जा तुम। कुछ बता पाएंगे व्हाट इज द डिफिकल्टी इन योर लाइफ? નહીં મારે કેવું, તમે જે જુઓ છો એનાથી તમે દુઃખી થાઓ બી શું કામ જુઓ છો? હું ના નથી પડતો, સામે ગટર છે ને, ગટર જોવા બી તમને દુર્ગંધ આવે છે, તમે ડિસ્ટર્બ થાઓ બી ગટર સામે જોવાની શું જરૂર છે? તમે પોતાનું ગટરની બિલકુલ બાજુમાં બગીચો છે, તમે બગીચો જોતા નથી, ગટર જ જોયા કરજો અને જોઈને તમે દુઃખી થજો, તમારા પોતાના દુઃખને દૂર કરો તો ગટર સામે જોવાનું બંધ કરો। તમે પોતાનું કમ્ફર્ટ મહેસૂસ કરો છો કે ગુરુદેવ મજા નથી આવતી, આ બધું જોયા પછી કોણે કીધું તું જોવાનું તમને? હમણાં મેં એક સરસ મેં એક વાક્ય વાંચ્યું હતું, માણસે ભગવાનને ચેલેન્જ કરી હતી, અમને સુખી કરવાના તું ગમે તેટલા પ્રયાસ કર, અમે દુઃખી જ રહેવાના છે। હા આ તમે ચેલેન્જ કરીએ ભગવાનને, તું અમને સુખી કરવાના ગમે તેટલા પ્રયાસ કર, ગાડી આપ, બંગલા આપ, મોટર આપ, બધું આપ, અમે નક્કી કરીએ અમે દુઃખી જ રહેવાના છે। અને તમારા જીવનને જોઈને આ વાત સાચી લાગે છે, તમે પરમાત્માને ચેલેન્જ કરીએ અમે દુઃખી જ રહીશું। પહેલાના જમાનામાં છે શાદી કી પત્રિકા, કિસકે ઘરમાં શાદી હોતી હતી ને, વો પત્રિકા લીખ દેતા હતા તુમ ખુશ હતા રે હમ જાયેંગે। अभी वो स्थिति नहीं है, शादी जिसके घर में वो पत्रिका में लिखता है, फिर अंगत आपको यदि आमंत्रण मोबाइल से नहीं देगा आपका ईगो हट हो जाता है। मुझे कोई साचू खोटू एले पत्रिका थी आमंत्रण न मिल्यू के भाई क्यों जरूर क्या है? नहीं पत्रिका आई फिर अभी फोन की जरूरत क्या है? इंडिविजुअल आमंत्रण तो इंडिविजुअल आमंत्रण, पत्रिका पूरे वापी में सबको नहीं भेजी तो मेरे घर पे भेजी, वो इंडिविजुअल आमंत्रण ही था। अभी मोबाइल से तुमको इंडिविजुअल आमंत्रण देने की जरूरत क्या थी? तो पत्रिका क्यों भेजी?
એટલે આમ તમને પૂછી લઉં સાચું બોલો, આમ ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં તમને આમ પત્રિકા આવે તો જ જાઓ, થિયેટરમાં પત્રિકા આવે તો જ જાઓ, એટલે બાકી બધે વગર પત્રિકાએ નાક લીટી તાણીને જાઓ. અને એ કોકનો આમંત્રણ આપે તો કે તે મને અંગત ફોન નહોતો કર્યો, તમારા ઈગોને તમે આટલો બધો ઉંચક્યો કેમ ખબર નથી પડતી. અને હવે તો ઘણાનો ઈગો દેરાસર સુધી પહોંચ્યો છે. તમે આના શિવચક્ર બીજનમાં કેમ ન ગયા સાહેબ, મને આમંત્રણ હતું. એલા ભગવાન આગળ આમંત્રણ આવું બને છે કે નહીં, આઈ એમ રાઈટ ઓર નોટ? શિવચક્ર પૂજનમાં નહીં, વ્યાખ્યાનમાં નહીં, સ્વામી વાત્સામાં નહીં, સાહેબ મને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આમંત્રણ નહોતું. તું છે કોણ પણ અહીંયા આવવા માટે પણ તમારો યુગો આટલો બધો ડિસ્ટર્બ કરે, સાહેબ મને આમંત્રણ નહોતું. તું છે કોણ પણ? ઇફ વી વુડ લાઈક ટુ બી હેપી, આ એક કોટેશન તમારી આંખ સામે રાખજો. દોડતા હતા ત્યારે લાગતું દેવું કે મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, દોડતા હતા ત્યારે લાગતું દેવું કે મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી. તમને જ્યાં ભી હાથ રકામાં તમે સફળતા મિલી, લોગ હેરાન થઈ ગઈ, આદમી ઇતના સક્સેસ કેસે હો રહા હૈ, ઓર આપ કોલર ટાઈટ કરકે નિકલતે થે કે મેરા જૈસા કોઈ સફળ આદમી નહીં હૈ. દોડતા હતા ત્યારે લાગતું દેવું કે મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી. સહેજ શાંત બેસીને જોયું ત્યારે ખબર પડી જે દોડ્યા એનો કોઈ અર્થ નથી. ક્યાં પાયા તમને? શાંત બેઠ કે નીકળી ચેક કિયા તબ લગા કે કુછ કુછ અર્થ ઇસકા નહીં હૈ. આગે ચલના ચાહુંગા ચોથે ઓર પાંચવે નંબર કે સ્ટેપ મેં. ઇનકે પહેલે દો બાત આપસે પૂછના ચાહતા હું. પૂરી દુનિયા કિરીટ ભાઈ આપકો મિલેગી ના, એક પ્રશ્ન પૂછેંગે, તેરે પાસ ક્યા હૈ? ઓર મેરે જૈસે સાધુ મિલેંગે યે પૂછેંગે, તેરે સાથ ક્યા હૈ? સચ બોલો, ઇનકા જવાબ દે દો. દુનિયા યે પૂછેગી તેરે પાસ ક્યા હૈ, ઓર આપકો બતાના પડેગા, તીન ગાડી, ચાર બંગલે, 10 કરોડ કા ટર્નઓવર, તીન સંસ્થા કા ટ્રસ્ટી, પ્રેસિડેન્ટ, સેક્રેટરી, યે સબ આપકો દુનિયા કો દિખાના પડેગા. તેરે પાસ ક્યા હૈ, દુનિયા પૂછતી હૈ, ઓર તેરે સાથ ક્યા હૈ, ભગવાન પૂછતે હૈ. વોટ ઇઝ આન્સર ટુ ડુ ગીવ ગોડ? આપકે પાસ વો જવાબ ક્યા હૈ? આપકે પાસ ક્યા હૈ ભગવાન નહીં પૂછના ચાહતે, તેરે સાથ ક્યા હૈ દોસ્ત? પ્રેમ, પવિત્રતા, નમ્રતા, સરળતા, ઉદારતા, ક્ષમા ક્યા હૈ બોલ? અગલે જન્મ મેં તેરા હાથ થામ લે, એસી કોનસી ચીજ જીવન મેં તુને પ્રાપ્ત કર લી. યે દુનિયા તો દોડાતી હૈ આપકો, ઓર ઇસકે લીએ તુમ ભાગતે હો ને, દુનિયા કો દિખાને કે લીએ ભાગતે હો ને. તેરે પાસ ક્યા હૈ દેખા, 10 સાલ મેં વાપિસ આને કે બાદ કિતના ગ્રોથ મેને ક્યા, યે તુમ દિખાતે હો ને. इनका जवाब तो मेरे पास क्या है कि मेरे साथ क्या है गुरुदेव, हैरान, कुछ दिखाई नहीं पड़ता मेरे साथ. नंबर वन इज द गुड अटैचमेंट, सेकंड इज द गुड एटमॉस्फेयर, थर्ड इज द गुड एंगल, फोर्थ इज द गुड एडवाइस. बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आप किसकी भी राय लेना चाहो, यदि गुड एडवाइस दे उनकी राय लेना, गलत एडवाइस वाले की राय कभी मत लेना. विभीषण मार खा गया है यहां, ऐसा नहीं था उनको गुड एडवाइस नहीं मिली थी. खुद के भाई रावण को कहा था विभीषण ने, भाई अपनी 7 पीढ़ी में किसी ने ऐसा गलत काम कभी नहीं किया. किसी भी कारण से तुमने सीता का किडनैप किया होगा, मगर मैं अभी भी कहना चाहता हूं आप सीता को वापिस दे दो. नहीं, आपके पास गुड एडवाइस का कोई एड्रेस है क्या? वन एड्रेस टेक टू गुड एडवाइस, नॉट राइट एडवाइस, हाँ समझ लेना. देर इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड गुड एंड बैड. आपके पास सही एड्रेस वाला कोई एड्रेस है क्या? मैं उनकी राय लेने के लिए जाऊंगा जिससे 100% उम्मीद है मुझे गुड एडवाइस ही मिलेगी. एक्स फॉर एग्जाम्पल
एक फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न पूछ लू, 10 लाख रुपए का पेमेंट आपका कहीं रुका है, प्रयास करने के बाद भी पेमेंट आ नहीं रहा है, और किसी ने आपको मेरा नाम दिखा दिया कि आचार्य भगवान की राय ले ले, अब 100% राय लेने के लिए आएंगे? हमें विचार करेगा वो कि नहीं? मेरे जैसे कि कोई एडवाइस लेने की बात करे वहां से भी आप रुकते हो क्यों? मगर ना आप में मुझे इंटरेस्ट है, ना कोई स्वार्थ है, ना कुछ लेना देना, पेमेंट आया तो भी क्या, नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक बात, गुरुदेव के पास जाकर के राय ले लो। एक बात बताऊं, आपने कभी सोचा नहीं होगा, 18 साल के पहले बम्बई फोर्ट है, प्रवचन चलता था, ऐसे ही जनरल प्रवचन मेरा चला, एक भाई मेरे पास आए, महाराज साहब अभी टाइम नहीं है, मगर ये वास्केप डाल दो महाराज साहब, बहुत बड़ा पराक्रम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं बोला क्या करना? नहीं गुरुदेव अभी नहीं, शायद 4-5 बजे आ जाऊँगा, फिर आपको बताना चाहूँगा, और 4:30-5 बजे आए भाई, मेरी गोद में सर रख करके रोने लगी, हो तो मेरे पिताजी की उम्र थे वो टाइम। बोले क्या हो गया? गुरुदेव कमाल हो गया, आज इतना हल्कापन महसूस करता हूं गुरुदेव, मिरेकल, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, मैं बात 28 साल पहले की करीबन करता हूं गुरुदेव, आज के प्रवचन में आपने वो बात बता दी, पेमेंट यदि डूब जाए तो क्या कर सकते हो गुरुदेव? आज पहली बार बताऊं, 3,87,00,000 का पेमेंट रुका था, कितने साल पहले, 3,87,00,000 का पेमेंट, और गुरुदेव आज के प्रवचन में आपने सुन, आपने बता दिया ये दुश्मनी अगले जन्म में साथ आएगी, और जिनके लिए दुश्मनी करते हो आपकी आंख बंद होने के बाद सब यहाँ जाना, आपने तो जनरल बता दिया, मगर मैंने बहुत कुछ सोचा कि भी क्या कर सकता हूँ। प्रवचन के बाद गुरुदेव आपके पास इसलिए तुरंत नहीं बैठा ताकि ये पावर यदि कम हो जाए, उसी टाइम तय कर लिया था कि 3,87,00,000 का पेमेंट छोड़ देना है, और मालिक गुरुदेव 100 करोड़ का था, रिपीट, 100 करोड़ का मालिक मेरा पेमेंट चांद बुझ के देने की तैयारी नहीं करता था, और गुरुदेव आप समझते हम तो संसारी आदमी ने डाकू गुंडे बदमाश सुपारी सबको दे रखा था, समझे ना मैं कहना क्या? महाराज साहब वो पेमेंट निकालने के लिए सबको दिया था, वो भी मेरा बाप निकला, अभी तक पेमेंट नहीं आया, और आज आपने प्रवचन में किया, तय कर लिया जो हो सके निकल जाऊंगा। गुरुदेव इनके घर पर गया, मुझे देख के, ए गर्मी से बात मत करो, आज झुकने के लिए आया हूं। हैरान था गुरुदेव, 3,87,00,000 का पेमेंट जीवन भर छोड़ देता हूं, और आप बोलते हो कागज पे लिख भी देता हूं, आने वाले दिनों में आपके पास पैसा हो जाए मेरे बेटे का भी राइट नहीं होगा, आपका बेटा देने के लिए तैयार हो तो आपके बेटे से भी मैं लेना चाहता हूं, एंट्री क्लोज करो, बात खत्म करो, आज प्रवचन सुन के आया हूं। और गुरुदेव वो मानने के लिए तैयार नहीं था, इतने साल तक मैंने उनके साथ जो गलत फहमी की थी, गद्दारी की थी, उसने बोला कुछ नहीं, और गुरुदेव आखिर उनके हाथ से चाय पानी पी के आया, 3,87,00,000 का पेमेंट, सच बताओ गुरुदेव 10 करोड़ का डोनेशन देने के बाद जो हल्कापन महसूस नहीं कर सकता, वो हल्कापन 3,87,00,000 का पेमेंट छोड़ के कर रहा हूँ, और इनकी आँख के मैंने आंसू देखे, तमें क्या कल्पना करो छो, 3,87,00,000 रुपया छोड़ा पी आ मजा आ सके गुरुदेव, गुड एडवाइस आज आपके प्रवचन में सुना, और अभी इनकी बात सुनो गुरुदेव, वो भी चैन था, शांतिनाथ भगवान का फोर्ट का चिन्ह मंदिर है, 200 साल पूरे हो गए गुरुदेव, तमने कहूँ अष्ट प्रकारी पूजा करवा हूँ, पण जाओ ने ये पण आवे, क्यारेक क्यारेक मारी आगळनी लाइन में ये भाई उभा होय ने त्यारे साहेब आपने साचू को एने गभारामां खून करी नाखवाना विचार मैं कर्या, मारी नाखू सालाराम को ने डॉक्यूमेंट दीधुं पाछळ छे, 3,87,00,000 रुपया को लेकर के गुरुदेव शांतिनाथ भगवान के घर पर गर्मी जिसका मर्डर का मैंने सोचा था, वो पैसा आया तो भी क्या, नहीं आया तो भी क्या, आज गुरुदेव आपने अनंत उपकार कर दिया, आप बोलो गुरुदेव और भी क्या करना है, पूछू छू तुमने,
अभी एडवाइस गमशे तुमने, प्लीज मजाक मत करो। त्रण करोड़ सत्यासी लाख तो गुरुदेव मौत बोलते छोड़वा ना जता, पर छोड़ा पेला साहेब आ शांति मस्ती ने प्रसन्नता ने प्रेम ये अनुभव न होत ने। तमें सोमानो 100 करोड़ राखीने पेमेंट उबाड़ीना पैसा छोड़ी देवाना, एम दुनिया तमने आ सलाह आपशे, जैन साधु आ सलाह आपशे, अने आवी सलाह तमने गमवानी पण नथी अमारी। तमे आवा ना देवा मारे साहेब, आ तो संसार अमारो थोड़ो चाले, तो अमारी जे दलील राखजो तमारी आगळ, नहीं मने कोई रस नथी तमारा संसारमां। गुंडागिरी ने खावा दवा ने राज रमत रमी ने तमे बधुं खलास करी नाख्यो। एक खाली कैंसर डिटेक्ट था ने त्यारे तमने खबर 500 करोड़ मारे से तोई पीवा था, अने मौत पछीनी दुर्गति दुश्मन भट्टना शंकानु एनो तो तमने डर ज नथी। और आपको मालूम नहीं तो बता दूं, दुर्योधन ने शकुनी की एडवाइस लेने का काम शुरू किया, महाभारत पैदा होगा। कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती की और दुर्योधन ने हर टाइम शकुनी के पास जाकर अब क्या कर सकता हूं क्या, अरे जुआ खेल दे यार। अने अजी तमने कदा नहीं, तमें बता खबर नहीं है, दुर्योधन नु सर्वात नाम सुयोधन हतु, ए जन्मे त्यादी नाम दुर्योधन नथी। એ શકુનીની દોસ્તી કરી બી સુયોધનમાંથી દુર્યોધનમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો। આપને કભી એડવાઇસ કે લી અચ્છે અચ્છા એડ્રેસ ઢૂંઢા હૈ, ગુડ એડવાઇસ। મારા પિતાજી સાથે મારે મેળ નથી, શું કરું? કિરીટભાઈ તુમે માનું નહીં, એસી લડકી મેરે પાસ આતી હૈ, ऐसे लड़के मेरे पास आते जिनका मैं एड्रेस हूं। संसार के क्षेत्र में बैठे हुए लड़के और लड़की उनका संसार है, कहीं किससे अफेयर हो गया और पिताजी बोलते कि बहन बेटी इसके साथ तेरा संबंध नहीं जमेगा, और बेटी खुद बोलती है गुरुदेव को पूछ लेती हूं, गुरुदेव जो बोले वो फाइनल डिसीजन। और कई लड़की मेरे पास आई, मैंने बता दिया बहन ये रास्ता तेरे लिए उचित नहीं है, बस गुरुदेव आपने बता दिया, बात खत्म। आपके जीवन का कोई एड्रेस है? फिर नो लॉजिक, कोई तर्क नहीं, आपने बता दिया, मेरे सामने तर्क मत करना, अच्छा है गुरुदेव ऐसा वैसा कुछ नहीं, आपने बता दिया, बात खत्म। व्हाट अबाउट फोर्थ स्टेज? गुड अटैचमेंट, गुड एटमॉस्फेयर, गुड एंगल, गुड एडवाइस। क्रिटिकल पोजीशन तो किसी भी संसार में आपके जीवन में आती होगी, आती ही है। शादी करने के बाद पत्नी से नहीं जिम्मेदार, पत्नी की पति जिम्मेदार सोचता है कि चलो डाइवोर्स ले ले, गुड एडवाइस। ये सभा में जो बैठे उनको पूछना, सच बोलो इतनी क्रिटिकल पोजीशन आती है और आपको लगता है कहीं एडवाइस लेने के जाना पड़ता है, आप किसके पास जाओ? आम तो घनी बार हूँ बोलूँ छू, अहीना सभा तो पहली बार जो छू, पर आम घनी बार बोलूँ छू कि दीकरा ने इतना पैसा नहीं आप देता कि तमें बीमार पड़ो त्यारे डॉक्टर ने बोले वकील ने बोला भी लावे। पल्ले पड़ू कहीं इतना पैसा दीकरा ने नहीं आप देता कि बीमार पड़ो त्यारे डॉक्टर ने बोले वकील बोला भी लावे। आप ये मत बताना कि गुरुदेव आप मुनि बन गए इसलिए आप जीवन में सफल हो गए, नहीं, मुनि जीवन में भी सफलता इस 5 स्टेप को लेकर के, स्वाध्याय करने से, प्रवचन करने से, पुस्तक लिखने से, प्रतिक्रमण पढ़ने अकेले करने से नहीं, ये सब कुछ करने के बाद ये भी तो ऐड होना चाहिए, गुड अटैचमेंट, गुड एटमॉस्फेयर, गुड एंगल, गुड एडवाइस।
કિરીટ ભાઈ, તમારા પ્રસંગો તો આમાં ઓછે બધે આવતા હશે ને સંસારમાં, અને તમારું મન આમ કંટ્રોલ ન કરી શકે ત્યારે કોની સલાહ લેવા જાવ? એની ના નથી, જેની સલાહ લેતો એટલે આમ તમારી ફેવરમાં ચુકાદો આપી દેવાની કે તમારું માથું કામ ન કરે એવી સલાહ દેવાની. તમને ખબર, મને ઘણા શું કે ખબર સાહેબ, પ્રેક્ટિકલ નથી. મને કે પ્રેક્ટિકલ નથી, પ્રેક્ટિકલ શબ્દ સમજ્યા ને તમે, એટલે શું તમારા સંસારમાં હું કામ લાગે એવું નથી એમ. સીધી કાળ નથી પણ એમ બોલે પ્રેક્ટિકલ નથી સાહેબ. તમે તો અમારી ઓળખાણ કરો ત્યારે એવી કરો કે ખબર ન પડે ગાળ આપે છે કે મજાક કરે છે. સાચું બોલો, તમે એમને પ્રેક્ટિકલ માનો? મને અમદાવાદમાં એક જણ મળ્યો તો મને કે શું લખો છો સાહેબ, કમાલ, આવું સાહિત્ય તો ક્યાંય જોયું નથી. હું થોડો ખુશ થઈ ગયો કે આટલા બધા સાહિત્યના વખાણ કરે. હું કયું પુસ્તક વાંચું તું કે કઈ નહીં? મેં તો આટલા બધા સાહિત્યના સાહેબ કમાલ લખો. શું થયું પણ સાહેબ, બે વર્ષથી શરીરમાં એવો રોગ હતો ઊંઘ આવે જ નહીં. કોઈએ મને આપનું પુસ્તક સજેસ્ટ કર્યું, ચાર પાના ખૂન હોઈ જાવ શાંતિ, વખાણ કરે છે કે ગાળ દે છે સમજાતું. ફોર્થ નંબર કા સ્ટેજ, તમને ખાલી એટલું કહું, જિંદગીના 50 વર્ષ તમે મનનું માનીને કાઢ્યા છે, 50 વર્ષ 50 દિવસ માવીનું માનીને પસાર કરો. 50 વર્ષની સામે ખાલી 50 દિવસ જોઈએ, 1 વર્ષની સામે 1 જ દિવસ. આજે તમે સાંભળ્યું છે કે મારા સાહેબ આ 5 સ્ટેપ અમારા જીવનને નંદનવન બનાવી શકે એવું છે. સાહેબ, આઈ શેલ ટ્રાય ફોર પ્રેક્ટિકલ ફોર 50 ડેઝ ઓનલી. 50 વર્ષ તમે મનનું માનીને પૂરા કર્યા, 50 વર્ષ માવીનું માનીને 50 દિવસ તમે કહી દો સાહેબ, નાવ બિગિનિંગ. ગુડ એટેચમેન્ટ, ગુડ એટમોસ્ફિયર, ગુડ એંગલ, ગુડ એડવાઇસ, અને 5માનું સ્ટેજ છે ગુડ એપ્રિસિએશન. એપ્રિસિએશન એટલે વોટ મીન્સ એપ્રિસિએશન એટલે સાહેબ બોલો, એ આપકા નેચર હૈ ક્યા? આપકે ઘર મેં, આપકે સમાજ મેં, આપકે દેશ મેં, કહીં ભી કિસી ભી જગહ કુછ ભી અચ્છા બના હૈ ઓર આપ એપ્રિસિએશન નિશ્ચિત તૌર સે કરતે હો, પક્કા ક્યા? એક્સ ફોર એક્ઝામ્પલ, છોટી બાત, આપકે ઘર મેં કિસી ને દીક્ષા કી પત્રિકા ભેજી, દીક્ષા કી, શાયદ દીક્ષા કે પ્રસંગ મેં તુમ નભી પહોંચ પાઓ, મગર ઉનકો ફોન કરકે એપ્રિસિએશન કરતે હો. 25 સાલ કે આપકી બેટી કી દીક્ષા કા સમાચાર મળા. આજ કે જમાને મેં 57 સાલ કી મેરી ઉમ્ર મેં મેં મોબાઈલ નહીં છોડ પાતા હું, આપકે બેટા સંસાર છોડતા હૈ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરતા હું, ઓર આપને મેરે પે પત્રિકા ભેજી હૈ ઉસકી અનુમોદના નિમિત્ત તક આ 2 દિન તક મોબાઈલ કા ઉપયોગ નહીં કરૂંગા. કભી એપ્રિસિએશન કિયા? એક રૂપિયા આના કુછ દેના નહીં આપકો, કરને વાલા ને કિયા હૈ ગુડ, ઓર આપને ઉનકો ધન્યવાદ દિયા, દોસ્ત કમાલ કિયા. આજ કે જમાને મેં એસા સુનને કા મિલા, કમાલ કમાલ યાર. હા કે ના, કિતના કિતને લોગ કિતના અચ્છા કરે કરતે, વી કાન્ટ બિલીવ. એક વાર તુમ્હારી આંખો કે સામને તુમ દેખો, અચ્છે કાર્ય કરને વાલે કી તો લાઈન લગી હૈ, લાઈન. કભી તુમ્હારે મન મેં આતા નહીં કે ચલ ઇનકો 2 શબ્દ તો બોલ દો, ઇનકે ઘર પે જા કરકે ધન્યવાદ દે દો યાર, કમાલ કર દિયા. કોરોના કે માહોલ મેં કિતને ડોક્ટર કિતને નર્સિસ ને અપને જાન કો ખતરે મેં ડાલ કરકે સેવા કી હૈ, વો વાપી મેં ભી હોગી, હર જગહ હોગે. તુમને કભી ઉનકો ઘર પે જા કરકે ચાય પાણી કી ઓફર કી? ચલો કોરોના ગયા, કોરોના અબાઉટ એક્સ ફોર એક્ઝામ્પલ ગયા, તો તુમને યાદ થા, પેપર મેં તુમને પઢા, મીડિયા મેં પઢા, ઓર તુમને ગૂગલ મેં સર્ચ ક્યા, યે ડોક્ટર 6 મહિને સે ઘર પે નહીં ગયે થે, ઉનકે ઘર પે જા કરકે એક ટાઈમ ચાય પીલાને કા પ્રયાસ ક્યા, 1 કિલો મીઠાઈ દે દી તુમને, 1 નર્સ કો દે દી, ક્યા ક્યા તુમને કુછ? વાય નોટ?
असम में एक लड़की चित्रा नाम की, चित्रा क्रिकेट में 13 साल की लड़की, और इनके पिताजी हेयर कटिंग सलून चलाते थे, और वो लड़की ने, पिताजी ने अपनी बेटी को आईएएस बनाने के लिए 5 लाख एफडी में रखा था, और लड़की को पता चला कि कोरोना जबरदस्त है, उनके इर्द गिर्द 200 ऐसे परिवार रहते थे जिनको कोरोना की ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं थी, और लड़की ने अपने पिताजी को, पिताजी 5 लाख की एफडी तोड़ दो, इस 200 परिवार को 5 लाख दे दो। डॉक्टर ऑफ द बार्बर हजामनी छोकरी आईएएस ऑफिसर बनवा माटे पिताजी राखेला 5 लाख, और दीकरी पोताना पिताजी कहते पप्पा ये 200 परिवार के लिए 5 लाख की एफडी तोड़ दो। बाप ने बोला बाल काटते काटते इकट्ठे किए तेरे बाप ने, पप्पा वो जब आईएएस बनूंगी तब देख लूंगी, पहले इतना कर दो पप्पा, आपको मैं विनंती करती हूँ। लड़की की आंखें आंसू देखे, पापा ने एफडी तोड़ दी, और एफडी तोड़ने के बाद 5 लाख रुपया की राशि कोरोना में डिस्टर्ब थे उनके लिए बांट दी। और अभी मैं बताना चाहता हूँ, ये छोटा सा न्यूज था ना, कहीं किसी पत्रकार के कान पे आया, और वो पत्रकार ने अपने पेपर में लिया, ये देखो ब्लॉटिंग पेपर तुमने देखा है ना, एक छोटा सा ड्रॉप डालो वो स्प्रेड होते चलेगा, ये इनको पेपर में डालने की बात, ये पेपर की कॉलम किसी टीवी वाले ने देखी तो उसने टीवी में इंटरव्यू लिया, वो टीवी का इंटरव्यू नरेंद्र भाई मोदी के पास गया, मन की बात में नरेंद्र भाई ने लिया, और नरेंद्र मोदी की मन की बात में आया हुआ इंटरव्यू यूनो तक गया, तो यूनो में से उनको लड़की को आमंत्रण मिला लेक्चर के देने के लिए, 13 साल की लड़की को यूनो ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया 13 साल की उम्र में, ये प्रयास। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लड़की का एग्जाम्पल मैंने पेपर में पढ़ा, मेरे जो प्रवचन चले यूट्यूब पर आ रहे थे, मुझे लगा कि ये लड़की की बात कोरोना के माहौल में लोगों को भी पता चले, मैंने वो प्रवचन में ये चित्रा नाम की लड़की, इनके पिताजी, सब कुछ बता दिया। शाम होते होते किरीट भाई करीबन 6 अबजपति के मेरे पे मैसेज आए कि वो लड़की को हम नहीं पहचानते, यदि आपको पहचाने ट्यूनिंग है, वो लड़की को जिंदगी भर के लिए जो भी एजुकेशन लेना है गुरुदेव उनका लाभ हमें दे दो, हम वो लाभ लेना चाहते हैं, अप्रिसिएशन। एक बार्बर की बेटी ये 200 परिवार के लिए 5 लाख की एफडी तोड़ सकती है, और ऐसा सुनने के बाद वो समाचार मैंने मेरे तक नहीं रखा, मैंने स्प्रेड कर दिया, आप एप्रिशिएट नहीं कर सकते हो। कभी किसी गुरुदेव के बाद आकर के बोला गुरुदेव आज आपका प्रवचन बहुत आनंद आया, गुरुदेव आपने आनंद का एक शब्द बोलने की तुम्हें नहीं थे, मुझे नहीं चाहिए वो आपका ओपिनियन, मेरे ईगो को मैं पुष्ट नहीं करना चाहता हूं, मगर तुम्हें कभी लगा नहीं, कोई लेना देना नहीं, 1 रुपये की राशि मुझे आउटपुट में छीनी, फिर भी गुरुदेव मेरे उपकार के लिए कर रहे, चल एक कोटेशन तो बोल दूं, नेवर। ₹100 की प्रवाना करने वाले की प्रवाना लेके जाएंगे, मगर प्रवाना करने वाले का नाम डिक्लेयर हो चुका है, 1 मिनट के लिए रुक के बोल, आपने बहुत अच्छी भक्ति की, बोले तुमने ₹10 ले लिया, ₹100 ले लिया, प्रवाना करने वाले के लिए 2 शब्द नहीं बोले तुम, तुम संपत्ति में कृपण हो, शब्द में कृपण क्यों बन गए? व्हाट अबाउट एप्रिसिएशन? पहली बार आपका बेटा दर्शन करने के लिए गया अंगी की, अपने बेटे की पीठ दो, बेटा कमाल कर दिया, 13 उम्र में मैं कभी भगवान के पास जाता भी नहीं था, तू जा क्या है, कमाल कर दी बेटा, ले मेरी ओर से ₹100 का इनाम दिया, कभी किरीट भाई मने खबर नहीं पड़ती आमा तमे केम टूका पड़ो छो, नहीं आ बधी बाबतमां तो कोई रुपियाना पायनी की बात नहीं, सीधी बात छे, सारू कोके कर्यु छे अने 2 शब्द मारे एने माटे बोलवाना छे। वो बात छोड़ो, मैं बहुमान की बात कहाँ करना, आपने आप घर में जाके इनको मोबाइल से फोन किया, हूँ ये क्या कहूँ तुम्हें बहुमान करो, ये कहीं भी क्या तमें इंडिविजुअल तमें ना घरे जीने अथवा मोबाइल की बात करी, धन्यवाद आप।
एक बात कह दू, समाज ने प्रभावशाली बनावा मांगता हो तो प्रभावशाली विचारों रमता मूको। समाज कांडो थी जावा विचारों हूँ शू करूँ छू, प्रवचन में लाइव एक्जाम्पल तमारी सामे आपूँ छू तो तमने लगे कि आ चौथारानी बात नहीं, अपनी साथे जीवनारानी साहेब बात करें, अपने पण कोई भूत पाडलो थोड़ू तो फीलिंग थाय ने। કિરણ મેં કારણ જણાવશો, આવું બધું આ મન થતું નથી એનું કારણ શું? ખાલી પૂછેલું છેલ્લું પછી વ્યાખ્યાન પૂરું કરું, તમારી દુકાનમાં નોકરમાં જેટલા નોકરો હોય એને એક મહિનાનો પગાર આપો ત્યારે એકાદ કિલો મીઠાઈ પગાર સાથે આપો? નહીં, દર મહિને કેમ નહીં? નહીં નહીં પ્લીઝ, મજાક નહીં, આટલી તમારી દુકાન ચલાવે છે, નોકરી કરે છે, ને એક મહિનાના પગાર સાથે ખાલી એક કિલો મીઠાઈ દોસ્ત તારા બાળકો સાથે મારા તરફથી મીઠાઈ, આટલું આપવામાં તમને શું અડી શું જાય છે? એમ નોકર ખાલી પૈસાનો અધિકારી છે, તમારા પ્રેમનો અધિકારી નથી? નહીં, મારે જાણવું છે શું તમને ફરક શું પડે, સુનિયાને શું ફરક પડે? તમારી દુકાન તમારી ઓફિસ સાચવે છે, ઘણી રીતે સાચવે છે, ને એક પગાર સાથે એક કિલોમીટર એ ખાલી હમણાં હું તમને ખાલી વાત કરું, ઇન્દોરમાં ચોમાસું કરી દો ભાઈ ઉનકે ઉસને મુજે બતા દીયા, મારા સાહેબ એસા હો ગયા, હમરી ફેક્ટરી મેં કામ કરને વાલે મારા સાહેબ 18 નોકર હૈ, એક્ઝામ્પલ આપ કભી ચાહો તો મેરે પાસ આના મેં આપકો ઇનકો નામ બતા દૂંગા। મારા સાહેબ સોચા નહીં થા, એ કોરોના કે માહોલ મેં 18 જો નોકર થે ને ઉનકા લીડર થા, વો લીડર મિલને કે લિયે સમય લેકે, ઓર જબ આયા તબ ઉસને પૂછા કે ક્યા હુઆ, उसने बता दिया कि इससे ऐसी बात है, कोरोना के माहौल में हमारा बिजनेस कैसा चला है वो हमने देखा, हम तो नौकर हैं तो पता भी चलता कि अभी 2 साल कैसे क्रिटिकल निकले, वो हमारा प्रश्न है, तुम्हारा प्रश्न नहीं है कैसे क्रिटिकल निकले। नहीं सेठ, एक बात कहने के लिए आया हूँ, हर साल 10% सैलरी आप बढ़ाते हो, 10% सैलरी आप बढ़ाते हो और 1 महीने का बोनस देते हो दिवाली के समय। ये बिजनेस की व्यवस्था देख करके हम सब ने तय किया, 18 लोगों ने मुझे बता दिया है और मैंने उनको कन्विंस किया है, इस साल हम सैलरी ज़्यादा नहीं लेंगे और 1 महीने का बोनस भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी इनकम नहीं है तो हम कोई वो दावा नहीं कर सकते हैं। माना साहेब 18 मानस नो लीडर एनु नेतृत्व लीने मारी गणायो और मने एम कहे कि धंधो बराबर नहीं थे सेठ, आ वर्षे पगार नहीं बधारता और 1 महीना बोनस नहीं। माना साहब उनकी हाइट, मेरे बड़े भाई मेरे बाजू में बैठे थे, हम दोनों की आंख मिली क्या करना चाहिए और इंगित में सब समझ गए क्या करना चाहिए। माना साहब 10% सैलरी बढ़ा देते हैं, वो 18 का जो लीडिंग करके आए थे उनको बोला, दोस्त हम तो सेठ होने के बावजूद भी सोच सकते मगर तुम नौकरी करने वाले इतनी बड़ी हमारी बात सुनते हो, एक बात पक्की समझ लेना, हर टाइम हर साल 10% की सैलरी बढ़ती थी, इस टाइम 15% सैलरी बढ़ा दूंगा, ये तुम्हारी खानदानी 10% के सामने 15%, और एक बात हर साल 1 महीने का बोनस तुम सबको मिलता था, इस साल 3 महीने का बोनस, यू कैन बिलीव इट। सामने से नौकर कहता इतनी क्राइसिस के बीच में हमें सैलरी ज्यादा मत बढ़ाओ और सैलरी, ये मैं लाइव एग्जाम्पल आज के जमाने की देता हूं, और दोनों भाई का नाम बता सुनो, जयेश भाई और संजय भाई, जब मुझे मिले मेरी आंख में हर्ष के आंसू, जय भाई कमाल कर दिया गुरुदेव, ये आपके प्रवचन का प्रभाव है, हम तो 100% कसौटी कटौती कर देते मगर इतने सुनने के बाद कुछ बदले नहीं हम।
તમારો ધંધો તૂટ્યો એને 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 મોંઘવારી નડશે કે નહીં, એના ઘરમાં પણ ઘી જુવાર તેલ બાજરી ઘઉં કેવી રીતે લાવશે ક્યારેય પૂછવાનું નહીં. ગુડ એપ્રિસિએશન્સ સામને વાલે કો આપકા બનાને કા એક શ્રેષ્ઠતમ તરીકા હૈ વો જિંદગી મેં કભી આપકો છોડેંગે નહીં. દીપચંદ ગાંધી મહાવીર કેન્દ્રમાં મને મળ્યા હતા દિલ્હીમાં, બાત હોય દો ઘંટે તક બાત, ઓર એક જો ઉસને બાત બતાઈ મેં હેરાન થા. કિરીટભાઈ કમાલ કરી મને કે મારા સાહેબ મારે ત્યાં 25 વર્ષ કન્ટિન્યુઅસ જેને નોકરી કરી હોય કન્ટિન્યુઅસ વિધાઉટ બ્રેક, એ 25મા વર્ષે સાહેબ રિટાયર થાય અને આખી જિંદગી 25મા વર્ષનો પગાર આપવાનો દર મહિને. સમજા કે ફરી વાત કરું? સમજ્યા ને? 25મા વર્ષેનો પગાર લગભગ કેટલો હોય? 25 વર્ષથી જે નોકરી કરી હોય સાહેબ 25મા વર્ષે રિટાયર થાય એટલે હા, એના ધર્મપત્ની એના ભાઈ કોઈ હોય અને એમ કે અમે હવે સેટ થઈ ગયા એ દિવસથી પગાર બંધ, પણ અમારે ત્યાં હોય એનો પગાર છેલ્લો એ ગુજરી જાય તો છેક સુધી પહોંચે. છે ને ચમત્કાર લાગે છે ને આજના કારણે જે દિવસે આ ભૂમિકા મારી તમારી સર્જાશે, બાકી બધું જ છોડી દેજો. આખી દુનિયામાંની કોઈ વાત તમને કરે એ તો કહે છે મારા સાહેબનું કામ જ આ છે, આપણે આપણી રીતે ચાલો, કોઈ વિરોધ નથી. ભલે મારા શબ્દોની તમે મજાક કરતા હો કોઈ ફરક મને નથી પડતો, ભગવાન મહાવીરના વચનની મજાક કરનારા એ ટાઈપમાં હતા, મારે શું કામ ડિસ્ટર્બ થવું પડે. પણ જે જીવનની મજા મસ્તી પ્રસન્નતા આનંદ અમે અનુભવીએ છીએ એ તમારો પણ બની શકે છે. તમે જે સ્થાનમાં બેઠા એ સ્થાનમાં બની શકે, પણ થોડું બલિદાન, થોડું ગુડ એટેચમેન્ટ, ગુડ એટમોસ્ફિયર, ગુડ એંગલ, ગુડ એડવાઇસ એન્ડ ગુડ એપ્રિસિએશન. મારે સાધુ છે ને રોજ સાંજમાં વંદન કરીએ ને ત્યારે કોઈ પણ સાધુએ એ દિવસનું કોઈ સારું કામ કર્યું ને એ દિવસે, રોજ સાધુ મુનિ તો સારું જ કરે પણ એ દિવસે કંઈ સારું વિશિષ્ટ કર્યું હોય બધાની વચ્ચે મેં જાહેર કરીએ અને બધા એનું એપ્રિસિએશન કરે, અનુમોદના અનુમોદના કરીને. રોજની વાત, રોજની એક સાધુ એક દિવસમાં 50 ગાથા કરી નામ સાથે ડિક્લેર કરીએ આજે આને આટલું મોટું પરાક્રમ કર્યું આપણે બધા, ત્યારે આ કુટુંબ ટકી રહ્યું છે અમારું. કોઈનું એપ્રિસિએશન નહીં, કોઈનું પણ નહીં. પૂજારી આંગી કરી તો ધન્યવાદ નહીં. એટલું કહું, શેરડી ઉપર પ્રેમ હોય છે ને એ શેરડીને નીચોવી નાખવા પૂરતો પ્રેમ હોય છે. રસ પૂરો શેરડી કૂચા કરીને ફેંકી દો. તમે પ્લીઝ કોઈનો ઉપયોગ શેરડીની જેમ ન કરો. રસ હોય ત્યાં સુધી એનો ભાવ પૂછો, રસ નીકળી ગયો કૂચા કરીને ફેંકી દો. આ તમને સુખતું નથી. ભગવાન પહેલે બી આયા આજ બી આયા. ઉપાસે કી વ્યવસ્થા, સાતાવર સમાધિ કે લીએ જો વ્યવસ્થા કીએ બહુ અચ્છી. જીતના ભગવાન કા જીના લે, જબ પ્રોગ્રામ થઈ ગયા ને તો મનમાં એ સાથે ભગવાન ડ્રોપ કરી દે. અભી કભી ભી જાયેંગે તો ભગવાન પહેલે નંબરમાં રખેંગે. નહીં એક અચ્છા માહોલ તીર્થ જૈસે સીડી ચડતે તો લગતા તીર્થ મેં ચડે. એમ પહેલે ભી બહુ બાર કભી ભી ભગવાન કો ડ્રોપ કિયા હી નહીં, મગર ઇસ ટાઈમ વીઆર થોડા જલ્દી થા ઇસલીએ સોચા કે ભગવાન કો ડ્રોપ કરે તો કૈસા રહેગા. ફિર મેને પદ્મસિંહ કો કા હર ક્ષેત્ર મેં જાના હૈ, ઘર 2 હો 4 હો 10 હો 20 હો અપને કો જાના હૈ. ये गांव में नहीं जाएंगे तो गांव कैसे टिकेगा? हर आचार्य भगवान मुनिभगवान ड्रॉप करके आगे निकल जाएंगे, ये कैसे टिकेंगे? इसलिए जाना ही था. ये तो ठीक है, प्रवचन हुआ, आप सब आए, नहीं आए तो भी आना ही पक्का था. कल उदवाड़ा जाना है, कल उदवाड़ा में भी प्रवचन है. पारडी में बहुत कम घर बचे हैं, पारडी में भी प्रवचन है. हर जगह ये भगवान के वचन की डिलीवरी का माहौल, जितने भी लोग आए जैसे भी आए उनके सामने
प्रभु के वचन की डिलीवरी करते रहूंगा। बहुत आनंद आया। 3 दिन वापी जीआईडीसी में रहा। मौन एकादशी की आराधना तो थी ही, मगर नूतन उपासे का उद्घाटन भी था, वो भी एक अच्छा माहौल बन गया। और 3 दिन की प्रवचन माला करके आज यहाँ आया। 3 दिनों में चेहरे की मुस्कान देखी, एक्सप्रेशन देखा, कहीं ना कहीं डेप्थ में सबके मन में कुछ बदलाव की इच्छा है। मे बी पॉसिबल इम्प्लीमेंट करने में कहीं थोड़े कमजोर पड़ जाते होंगे, थोड़ा मजबूत करेंगे संकल्प के साथ, आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। छला में राजेश भाई की बहुत विनती थी, संभव नहीं था, एक दिन आपको मैं दे देता निश्चित तौर से, मगर अभी आगे जाना है। मेरी एक किताब 2 कदम विस्मरण से स्मरण की ओर, पंकज सोसाइटी में मुस्लिम मिलने के लिए आए। मैंने साहबानी 2000 बुक जुए थे। दाढ़ी हती मैं तो आप मुस्लिम, हाँ मैंने साहब IAS ऑफिसर हूँ, आप ये किताब लेने के लिए मैंने साहब 2 दिन के पहले स्पीकर के वहाँ आपका प्रवचन था, धीरू भाई के वहाँ गुजरात के स्पीकर, मेरे शिविर के विद्यार्थी थे, और बार स्टॉल पे एक किताब रखी थी, मारे से ले ली मैंने, घर पे जाके पढ़ा। और मारे से पढ़ने के बाद 2 पेज पढ़ने के बाद अपने आप को छोड़ नहीं पाया। रात को 12 बजे किताब पूरी की, तब तक रुमाल पूरा का पूरा गीला हो चुका था। क्या हुआ, 40 साल से मेरे पिताजी से मैं बोला नहीं था। मारे से मैं आंबावड़ी में रहने वाला, नवरंग सर्किट पे वो रहने वाले, रात को पूरी रात सोया नहीं मारा सर। सुबह उठने के बाद गैरेज से गाड़ी निकाली और सर्किट पहुंचा। 5:30 बजे पहुंचा और पिताजी के दर भाई के दरवाजा खटखटाया। भाई हैरान हो गया मुझे देख करके, पिताजी चिल्लाए, यहाँ आया मारने के लिए? इतना तूफान हो चुका था मारा सर। दौड़ते दौड़ते पिताजी के पास जाकर के गोद में सर रख के रोया, क्या हो गया? और आपकी किताब निकाल के दे दी। इस किताब ने पिताजी मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। पिताजी मुझे माफ कर दो, ये IAS ऑफिसर मुझे बता रहे हैं क्या हुआ माना साहब। और क्या बताऊँ माना साहब, जब मैं पिताजी की गोद में था ना, ऐसा लगा पूरी दीवार रो रही थी। आप साधुओं साहब आप सोच नहीं पाएंगे, एक बाप और बेटा 40 साल के बाद मिलता है तब क्या दृश्य हो सकता है। पूरा परिवार रो रहा था। और फिर बड़े भाई छोटे भाई को कहा, बहुत हो गया, अब पिताजी को मैं घर पे लेके जाता हूँ, आएंगे जरूर, मगर 1-2 दिन ठहर जाओ। पिताजी की इतने साल से मेरे वहाँ रहते, सब व्यवस्था कर दूँ। और महाराज साहब शाम को पिताजी को मिलने के बाद घर से घर पे आने के निकला, चेहरे पे आनंद आनंद था। कल पिताजी परसों आ रहे हैं और मेरे बंगले की गाड़ी में महाराज साहब प्रीमाइसिस में गाड़ी दाखिल कर दी, गैरेज में गाड़ी रखी। इनके पहले बेटे का छोटे भाई का फोन आया, पिताजी शांत हो गए। 2000 किताब चाहिए महाराज साहब। पाकिस्तान से एक मुस्लिम आया था महाराज साहब, जिसकी शादी में गया था, उसकी शादी में भारत में करीबन 2000 लोग थे, 2000 लोगों को आपकी किताब की प्रभावना थी। पाकिस्तान, वो मेरे पास परमिशन मांगने के लिए आया, गुरुदेव 10000 किताब मुझे चाहिए, आप मुशरफ को पत्र लिख के दो, वहाँ अलाउड नहीं है। मैंने उनके सामने मुशरफ को पत्र लिख दिया, किसी कारण से वो बात बनी नहीं। आज ना जमाना में आवती काले पर तमारा परिवार में कोक सारा मार्गे आवानी थोड़ी इच्छा करशे, एवं घर में लगभग कशुद नथी।
એમાં ટાઈમમાં અનેક રિવ્યૂ અનેક ઓપિનિયન એવા કિતાબના આવે છે. 3 દિવસ ત્યાં જીઆઈડીસીમાં પણ પુસ્તકો મૂક્યા. આજે પણ 3 દિવસમાં જે પુસ્તકો હતા એ નહીં પણ બિલકુલ અલગ પુસ્તકો રાજેશભાઈની પોતાની ઈચ્છા આવી છે. અહીંયા જેટલા પણ આવ્યા છે બધાને પરિવાર દીઠ 1 સેટ એમના તરફથી પ્રભાવના આપવો છે. વ્યક્તિ દીઠ નહીં, હા પરિવાર દીઠ દરેકને 1 સેટ નીચેથી લઈ જવાની એમના તરફથી ભલામણ છે. આવતીકાલે એની 6:30 નીકળશું, ઉદવાડા પહોંચશું અને 10:30 વાગે ઉદવાડામાં પ્રવચન. આવતીકાલે 10:30 વાગે ઉદવાડામાં પ્રવચન, પરમ દિવસે પારડીમાં 9:15 વાગે પ્રવચન, 2 દિવસ તિથલ જવું છે ત્યાં પ્રવચન, પછી 3 દિવસ વલસાડ છીએ ત્યાં પ્રવચન, પછી 3 બાળકોની દીક્ષા છે સુરતમાં, ત્યાં 1.5 મહિનાની સ્થિરતા, અને ચાતુર્માસ છે અમદાવાદ આંબલીના એરિયામાં જ્યાં પૂજ્યપાદ ગચ્છાધિપતિ જયગોસિંહના અગ્નિ સંસ્કાર થયા હતા એ ભૂમિ ઉપર ચાતુર્માસ છે. કેવું છે કે 1 મિનિટ હા બોલો કરી દેજે, કરું જલ્દી કરજો. આવી ગયો એ ફરી વાર નહીં કરે ચાલશે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. મને તમારા આશીર્વચનોનો લાભ છે ને શાહપુરમાં મળેલો. અમે શાહપુર આવેલા હતા. ચાલો ભાઈ, ચાલો ભાઈ, બીજા બધા અહીંયા એક સાથે બીજી બધી બધી એક નાનકડી વાત કરી દઉં. આ બહુમાનના સંદર્ભમાં હું 4 વર્ષ દિલ્હીથી આવ્યો, એક મિનિટ, 4 વર્ષ દિલ્હીથી આવ્યો. સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, અડવાણી, સુષ્મા સ્વરાજ, શિવરાજ પાટીલ, HRD મિનિસ્ટર બધાને મળ્યો અને એમની આગળ મેં મારી વેદના પણ વ્યક્ત કરી. અને વેદના આજે તમને કહું હું શું ઈચ્છું છું. વર્તમાનકાળની સૌથી મોટી કમજોરી ઉપદેશ સજ્જનના હાથમાં છે અને તાકાત દુર્જનના હાથમાં છે. સોનિયા ગાંધીએ મને પૂછ્યું, મને કે મારા સાહેબ આપ ચાહતે ક્યા હો,
ત્યારે મેં એમને વાત કરી, વી કેન વિશ બટ વી કાન્ટ ડૂ એનીથિંગ, યુ કેન ડૂ એવરીથિંગ બટ યુ ડોન્ટ વિશ. અમારી આગળ ઈચ્છાશક્તિ છે, ક્રિયાશક્તિ નથી. તમારી આગળ ક્રિયાશક્તિ છે, ઈચ્છાશક્તિ નથી. તો મને કે મારા સાહેબ, તમે અંતરથી શું ઈચ્છો? મેં એટલું જ ઈચ્છું છું કે ઈચ્છાશક્તિ અમારી અને ક્રિયાશક્તિ તમારી બંનેનું ટ્યુનિંગ થઈ જાય, આ દેશ ક્યાંનો ક્યાં ચાલ્યો જાય. આજે આ બેન ભગવાનના શાસનને પામેલા આખા વાપીના મેયર થવું એ કોઈ ખામાના ખેલ નથી. અને એટલું પણ તમને કહીશ, તમે જે બોલ્યા એમાં ક્યારેક એડ શબ્દ બીજો પણ કરજો, એડિશનલ. માત્ર જૈનોના વોટથી આપણે જીતવાનું નથી, આખી સમાજ આપણને વોટ આવે એવા કામ આપણે કરવાના છે. બેન સુશ્રાવિકા છે, પણ અત્યારે જે પદ ઉપર આવ્યા છે એમાં એ સુશ્રાવિકા તરીકે કામ નહીં કરે, એ આખા વાપીના સંઘને, વાપીના પ્રજાજનોને કેન્દ્રમાં રાખીને એમના હિતકારી કાર્યો કરશે. બીજી વાત, મને જ્યારે પૂછ્યું હતું અડવાણીજીએ, મારા સાહેબ, ત્યારે મેં એમને એક બીજો એંગલ કીધો હતો, મારી ઈચ્છા છે દુર્જન સજ્જન બને નંબર એક, સજ્જનો સંગઠિત બને નંબર બે. તમે દાડમ જોયું છે? દાડમ, દાડમના દરેક બી મીઠા ખરા, પણ ખોલો એટલે જુદા થઈ જાય. લાડવો મીઠો કરો, પણ દરેકના દાણા એકબીજા સાથે એટેચ થયેલા હોય. વર્તમાન કાળમાં દરેક સંઘમાં, દરેક સંસ્થામાં, દરેક સમાજમાં સજ્જનો ઘણા છે, પણ એ લાડવા જેવા થવાને બદલે એ દાડમ જેવા બની ગયા છે. ખોલો એટલે બધા જુદા, ભેગા રહો ભાઈ, કામ કરવું તો આ રીતે કામ થશે. દુર્જન સજ્જન બને નંબર એક, સજ્જન સંગઠિત બને નંબર બે, અને સંગઠિત સજ્જન સક્રિય બને, દેશનું કલ્યાણ છે. આ બે ઈચ્છા, આવી એક ઈચ્છા, એ ઈચ્છામાં કેટલું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકશે ખબર નહીં, પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકે એવા ચાન્સ આ બેનને મળ્યા છે. ખાલી એટલું જ કહીશ, સત્તા મળી ગઈ છે એટલું નહીં વિચારતા, સત્તા કાયમ માટે મળતી રહેવા સરસ મજાના કાર્યો કરતા રહેજો. આજે ઇલેક્શનમાં આજે તમારે ચૂંટાવવું પડે છે, આવતીકાલે પ્રજા તમને ચૂંટીને મોકલે. તમારે કોઈ પણ હિસાબે ઊભા રહેવું પડશે. એમાં પોલિટિશિયનને મેં જોયા છે, જેને જવું નહોતું ઘરમાં બેસીને પબ્લિક બહાર લાવી અને એમને મોકલ્યા છે. તો વર્ષોથી આપણે જે ઈચ્છતા હતા આવા સપના નાના એરિયામાં સાર્થક થાય, દરેકની જવાબદારી છે. એમને એમના મંગળકારી કાર્યો જે પણ હોય એમાં એમને કોપરેટ કરી અને એમને પીઠબળ આપીએ. તમે એક કામ સરસ કર્યું, પાંચમા નંબરનો પ્રોગ્રામ તો અત્યારે તમે એપ્રિશિએશન ન કરે. હા મને એટલે એ જ હવે એમને કર્યું, હવે એમનું છે પોતાનું. બહુ સરસ. જેટલા પરિવારવાળા આવ્યા છે, નીચેથી પુસ્તકનો સેટ લઈને જાઓ એવી રાજેશભાઈની વિનંતી છે. નીચે